रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ दो, मान जाए बैन कर जाओ बाजी मार के। आप पढ़े देखिए, आप पढ़े देखिए, दोनों पास में तुम भी आओ पास में ले आओ माइक का वहां। हाँ बेटा क्या पूछना है बोलो। कहाँ से आई हो? हिमांत से। कितनी पढ़ लिखी है आप? आप मैट्रिक हैं और जॉब कर रहे हैं, तो इस मॉडी को क्या हो गया? क्या होता है रुकना माइक से बोलिए ना। डॉक्टर ने क्या बताया एपी? एपी उसमें दिक्कत क्या होती है आपको? नहीं डॉक्टर भी नहीं पढ़े हैं, शरीर में घूमे आ रहे हैं, शरीर में घूमे आ रहे हैं, ब्रेन में सूजन है, यह परेशानी 3 वर्ष से है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, भूत बाधा नहीं है, भूत बाधा नहीं है, लाभ होगा, आशीर्वाद। अगर उसे भूत बाधा बोल सकते थे डॉक्टर साहब, इसको हम भूत बाधा बोल सकते थे, लेकिन है नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत विद्वान है, हम नथिंग कुछ भी नहीं है, उनके नजर में मेरी वैल्यूएशन नहीं रहेगी। यदि ये केस वहां चला गया किसी अच्छे विद्वान के पास, अच्छे संत के पास, तो उनके नजर में मेरी वैल्यूएशन नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें लिखना पड़ना है कि भूत बाधा नहीं है, ब्रेन में सूजन है। अब एक प्रमाण लिखता हूं, सुने आप, माता जी शांत रहिए, शांत रहिए, भूत भूत बाधा मत करो भैया, आवाज मत करो। सबसे बड़ी बात यह है, प्रमाण देते हैं, प्रमाण देने से क्या होता है, अच्छा लगता है। माता जी ये बताइए, आपने यहां जो पर्ची कटवाई है, तुम्हें दिखाई दे रहा है जो लिख रहे हैं, क्या लिखा था बताओ? किसमें? हमने क्या लिखा भैया? किसमें? किसमें? अभय अभय वाली पर्ची में या इसके पीछे वाली? इस वाली, इस वाली में नहीं लिख, अभी कहाँ लिखा आपने? आप ये बताइए, आपने यहाँ पर्ची कटवाई, कटवाई किसके नाम से कटवाई? इसके पापा। इसके पापा। हमने समस्या किसकी लिखी? इसकी। इसका नाम तो किसी को नहीं बताया आपने? बिल्कुल, आपन से आप यहाँ भी होंगी तो आपने बोला भी होगा किसी से, ए गुड़िया, ए रागनी, बोला होगा, कॉमन है, मेरी बात समझ बैठे जैसे मरीज हमें, और यहाँ तो साथ में आकर चले गए, दूसरे को नाम लेकर बुलाई लेते हैं, मार्केट में घूमने बुलाते हैं, अरे अरुण, तो पता लग गया इसका नाम अरुण है, पर्ची कटाई का नाम से कटवाई, लेकिन हमने तुम्हारे ससुर का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? क्या नाम लिखा है? बेरी नाम। यार किसको बताया था आपने? पढ़ी हुई है, आप बेरी नाम की बहू हैं। क्या लिखा वहां पे पड़ोस को, क्या लिखा हमने? बेली राम की बहू है। तो क्या ये आपने भैया बताया था? इसलिए यदि ब्रेन में सूजन है तो बेली राम सही लिखा है तो सूजन भी सही है, और यदि बेली राम सही नहीं लिखा होता तो डॉक्टर साहब सूजन भी कौन देख रहा है। तो ये प्रमाण हो गया कि हमने तुम्हारे ससुर का नाम लिखा है, मोरी का नाम लिखते तो हो सकता हम यहां घूम लेते, हम सुन लिया हो, लेकिन यहां बेली राम का क्या काम? चलिए पर्ची कटवाई आपने, अपनी पर्ची कटवाई आपने? नहीं, अब बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप फ्री में कुछ नहीं, पर्ची कटवा के आओ बताएंगे, समय आएगा बात करेंगे। दीदी इस मंत्र को 108 बार करना है, 1 रामायण का 1100 रुपए जमा, 5.25 किलो खा देना, 7 बार उसाल के ऊपर पूरे खाते उसी में करा देना, और पहले चेक कराना, और अगली बार बताएंगे उपाय, और दूसरे महीने में सूजन नहीं रहेगी, चेक कराना बंद, आशीर्वाद। पहले नंबर लेके आना, ब्रेन के डॉक्टर को चेक कराओ, हम डॉक्टरों के लिए मना नहीं करते, दुआ दवा आशीर्वाद है, जहां औषधि की जरूरत है वहां औषधि लो, जहां आशीर्वाद जरूरत है वहां आशीर्वाद लो, जो संसार में जो चीज जिसके लिए निर्मित है उसका उपयोग कर लेना चाहिए, यही धर्म संगत चर्चा है।
आशीर्वाद जय।